नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कन्या एजुकेशन आपका हार्दिक स्वागत है। सबको बोर्ड क्लास जो 10th और 12th के विद्यार्थी हैं, आप सबको पता है कि आपका जो टाइम टेबल है एग्ज़ाम का, बोर्ड एग्ज़ाम का आ चुका है और जो प्रवेश पत्र है वो भी आपके स्कूल आईडी पर अपलोड कर दिए गए हैं। संस्था प्रधान से कॉन्टेक्ट करके प्रवेश पत्र भी निकलवा लें और जो 10th और 12th का एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है। 10th के विद्यार्थी और 12th के विद्यार्थियों से मेरा विशेष तौर पर अनुरोध है और सबसे यही है कि आप वापस जाके हमारे YouTube चैनल कन्या एजुकेशन के YouTube चैनल के जो प्ले लिस्ट है उसमें आपके समस्त वीडियो जो 10th और 12th के हैं वो एकदम प्ले लिस्ट के अंदर जो है वो सारे ऐड कर रखे हैं। प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको 10th के अलग वीडियो मिल जाएंगे और 12th क्लास के अलग वीडियो मिल जाएंगे और कॉम्पिटिशन के भी अलग प्ले लिस्ट में डाले गए हैं। तो आप जाकर YouTube चैनल कन्या एजुकेशन में, वहाँ अपने सारे जो चैनल में वीडियो अपलोड कर रखे हैं गोपाल जी के, और सारे वीडियो वापस एक बार रिविज़न कर लें उन सब समस्त वीडियो का। और 12th क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि जल्द से जल्द एक दो दिनों में या आज शाम को जो है गोपाल जी सर के द्वारा आपको जो मॉडल पेपर है 12th क्लास का वापस रिविज़न, तो और ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन 12th क्लास का जो मॉडल पेपर है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। जल्द ही आपको शाम को जो है वो मिल जाएगा आपके इस YouTube चैनल कन्या एजुकेशन पर। आपको क्या मिल जाएगा, 12th क्लास का जो मैथमेटिक्स का जो पेपर है उसका आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाया जाएगा। 10th क्लास की एक प्रश्नावली जो है सड़क सुरक्षा, उसके बारे में हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। इसमें आपके 4 अंक का क्वेश्चन आता है और 4 अंक के क्वेश्चन के अंदर आपको एक 3 नंबर का क्वेश्चन मिलता है और एक नंबर का प्रश्न मिलता है। तो आपको अच्छी तरीके से ये जो सड़क सुरक्षा के प्रश्न है आसानी से आपको सॉल्व करना है ताकि आपको जो 4 नंबर आसानी से आपको मिल सकते हैं। ये आपको देखो सड़क सुरक्षा में 4 अंक के जो है वो प्रश्नावली है ये, जिसमें आपको 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन जो है वो छोटा 1 नंबर का पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछा है कि पीयूसी का पूरा नाम है, उपयोग बताइए। तो पीयूसी का जो फुल फॉर्म पूछिए आपको, क्या पूछिए, फुल फॉर्म पूछिए। पीयूसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। पीयूसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होती है। इसका फुल फॉर्म जो होती है वो पीयूसी का, और उपयोग पूछा आपको, तो उपयोग आपको पता है पीयूसी का जो एक सर्टिफिकेट होता है ये किस लिए दिया जाता है, ये वाहनों को जो है वो प्रदूषण के लिए, वाहनों की जो प्रदूषण जो है वो धुआं जो है उसके प्रदूषण की जांच के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। उससे क्या होता है कि एक मानक क्षमता होती है, उस मानक से अगर अधिक प्रदूषण है तो फिर उसके जो वाहन के जो मालिक है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो पीयूसी की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी, प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। क्या होगी, प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र। ये फुल फॉर्म है, आपको 1 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपको, दूसरा, कि यदि एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए है तथा बाद में प्रति किलोमीटर के लिए 8 रुपए है तो 12 किलोमीटर चलने के लिए किराया ज्ञात कीजिए। क्या कर रहे हैं कि कोई भी वाहन है, कोई भी कार है, वो प्रथम किलोमीटर के लिए तो क्या कितना रुपए ले रही है, प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए ले रही है, लेकिन इसके बाद में जो है प्रति किलोमीटर का 8 रुपए किराया ले रही है। तो 12 किलोमीटर चलने के लिए आपको कुल कितना किराया देना पड़ेगा। तो इसके लिए आप एक तो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए ले रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं आपके 12 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का तो ले लिया 15 रुपए, फिर 11 किलोमीटर बच गए तो 11 किलोमीटर के लिए 8 ले रहे हैं तो 11 × 8 88 हो गया, 88 में 15 रुपए जोड़ देंगे तो आपकी सीधा सा आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको कैसे करना है, आपको सेंड से करना है इसको, तो हम करेंगे इसको कैसे करेंगे, ए ए का मान कितना दिया आपको, प्रथम पद 15 रुपए दिया हुआ, कितना 15 रुपए, डी सार में अंतर, डी दे रखा है आपको कितना, डी दिया हुआ है आपको 8, अब आपको क्या दे रखा है, और आपको दे रखा है एन, एन का मान 12, मतलब 12 किलोमीटर तक गाड़ी चल रही है तो 12 किलोमीटर के लिए निकालना है आपको, एन का मान दे रखा है 12, तो यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, ए एन का मान निकालेंगे, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा आपके, ए प्लस एन माइनस 1 × डी, ये फॉर्मूला लग जाएगा आपको। तो आपको पता है ए, ए का मान कितना है 15, प्लस एन का मान कितना दे रखा है आपको, एन का मान दे रखा है 12, माइनस 1 × डी, डी का मान 8 दे रखा है। अब इसको सरल करेंगे तो 15 प्लस 12 माइनस 1 चला गया, कितना बच गया 11, तो 11 × 8 कर लेंगे, 11 × 8 कर लेंगे, अब 15 प्लस 11 × 8 88 में आप 15 ऐड कर दो, कितना आ गया 103 रुपये। तो आपको 12 किलोमीटर के लिए जो कुल दूरी है 12 किलोमीटर चलने के लिए क्या किराया देना पड़ेगा आपको, 103 रुपये देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप इसको आसानी से सरल कर सकते हो, ये याद रखना है आपको, ए प्लस एन माइनस 1 × डी होता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि 3 लयबद्ध संख्याओं को गिनने में कितना समय लगता है, 3 लयबद्ध संख्याओं को काउंट करने में आपको कितना समय लगता है। लयबद्ध संख्याएं अर्थात
जैसे 9, 10, 11 है, इनको काउंट करने में आपको हमेशा 1 सेकंड का समय लगता है। तो मिनिमम कितना समय लगता है उसमें, 1 सेकंड का समय लगता है। ऐसा प्रश्न भी आपको एक नंबर में पूछा जा सकता है कि 3 11 संख्याओं को काउंट करने में आपको कितना समय लगता है। तो 3 11 संख्याओं को याद करने के लिए आपको कितना समय लगेगा दोस्तों, 1 सेकंड का समय लगेगा। जैसे कोई भी 9, 10, 11 है, 11, 12, 13 है, 14, 15, 16 ऐसी संख्याओं को गिनने के लिए 1 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, यदि कुल रुकने की दूरी 54 किलोमीटर तथा प्रतिक्रिया दूरी 18 किलोमीटर हो तो पीछा करने की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या पूछा है, डायरेक्ट सीधा सा आपको पूछा है यहाँ कि आपको पूछा है दोस्तों कि यदि कुल रुकने की दूरी देर की है, तो कुल रुकने की दूरी देर की आपको 54 किलोमीटर, इसका सीधा फॉर्मूला है कुल रुकने की दूरी, कुल रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी इंटू पीछा करने की दूरी। क्या होती है, प्रतिक्रिया दूरी इंटू पीछा करने की दूरी, ये फॉर्मूला होता है, प्रतिक्रिया दूरी इंटू पीछा करने की दूरी, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको पता है कुल रुकने की दूरी देर की कितनी, 54 किलोमीटर बराबर प्रतिक्रिया दूरी कितनी देर की आपको, 18 किलोमीटर इंटू पीछा करने की दूरी देर की आपको ज्ञात करनी है। तो क्या मान लो, इसको एक्स मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 54/18 बराबर में एक्स आ गया। तो 18 × 54 का भाग चला जाएगा 3 बार, तो जो पीछा करने की जो दूरी है एक्स कितने आ गई आपके, 3 किलोमीटर आ गई। तो ये भी आपके एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक नंबर के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2-3, इसमें आपको ध्यान से देखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम के जो बोर्ड का एग्जाम है आपका उसमें हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके 10th बोर्ड के लिए सड़क सुरक्षा में से, ये क्वेश्चन 3 नंबर के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि एक सीधे में 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है आपको। एक 12 मीटर ऊंचा पोल दिया हुआ है आपको, कितना मीटर ऊंचा दिया हुआ है, 12 मीटर, ये कोई पोल दिया हुआ है आपको, इसकी दूरी कितनी है दोस्तों, 12 मीटर, कितनी देर की है, 12 मीटर आपको इसकी दूरी देर की है। एक सीधा और ऊंचा 12 मीटर पोल दिया हुआ आपको, इस पर क्या लगाना है आपको, शीर्ष पर कैमरा लगाना है, सीसीटीवी कैमरा लगाना है। कहाँ पर लगाना है, शीर्ष पर लगाना है, यहाँ आपने क्या लगा दिया, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। और आपको क्या दिया हुआ आगे कि कैमरा लगाना है ताकि शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे यातायात देखा जा सकता है। मतलब इस शीर्ष बिंदु से 13 मीटर दूरी तक आप क्या देख सकते हो, यातायात साधन देख सकते हो, इस कैमरे से 13 मीटर की दूरी तक के लिए आप क्या देख सकते हो, साधन जो है, यातायात साधन देख सकते हो। तो आपको 13 मीटर दूरी तक की साधन के देख सकते हो, आपको ये प्रश्न दिया हुआ है, आपको ये आपको दे रखा है प्रश्न में कि आपको ये एक पोल दिया हुआ है सीधा, ये पोल है 12 मीटर, 12 मीटर शीर्ष, इसके शीर्ष पर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाना है, और शीर्ष से 13 मीटर की दूरी के लिए, दूरदृष्टि रेखा के लिए हम क्या देख सकते हैं, यातायात साधन जो जा रहे हैं उनको हम सीसीटीवी कैमरे में नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आपको प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, प्रश्न में आपको पूछा है कि पोल के पाद बिंदु से वह दूरी जिसके आगे यातायात दिखाई देगा। आपको पहला प्रश्न में क्या पूछा है, 3 नंबर के ये 3 क्वेश्चन पूछेंगे आपको, और ये 101% आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पूछा है पोल के पाद बिंदु से वह दूरी ज्ञात करो जिससे आगे यातायात दिखाई देगा। ये पाद बिंदु जो होता है, ये पाद का मतलब जो जड़ बिंदु होता है मेन, और जो पोल है उस पोल का जो मेन जड़ बिंदु ये है, यहाँ से आपको कितने मतलब कितने मीटर तक के लिए यातायात साधन देखा जा सकता है, ये क्वेश्चन में आपको पूछा है। तो हम क्या निकालेंगे, आपको पता है यहाँ पायतागोरस प्रमेय निकालेंगे, आधार पूछा है आपको, तो आधार निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, ये आधार, तो पायतागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, पायतागोरस प्रमेय से इसको सरल करेंगे। आपको क्या दिया हुआ है, करण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार ज्ञात करना है, तो आधार ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बीसी, ये बीसी ज्ञात करना है आपको, बीसी स्क्वायर बराबर क्या होगा, करण स्क्वायर एसी का स्क्वायर, करण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब कितना है, एबी, एबी का स्क्वायर। अब इसमें मान रख दो एसी कितना दे रखा है आपको, 13 मीटर, माइनस एबी कितना दिया हुआ है आपको, 12 मीटर। अब इसको सरल करेंगे, 13 का वर्ग कितना हो गया, 169, माइनस 12 का 144। अब ये हो गया, यहाँ से बीसी निकालेंगे हम, तो ये इसको सरल करेंगे, माइनस निकालेंगे, 169 में से 144 घटा लो, कितना आ गया, 25 बराबर में क्या बताया इधर, बीसी का स्क्वायर बराबर आ गया आपके 25। अब मान निकालना है किसका, बीसी का मान निकालना है, तो ये स्क्वायर जो उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा इधर यहाँ पर 25 पर, तो
तो बीसी का मान कितना गया आपके पास 5, तो बीसी का मान कितना गया दोस्तों 5 मीटर। तो यहाँ से 5 मीटर के लिए हम क्या देख सकते हैं, ये आपकी दूरी साधन देखा जा सकता है, कहाँ से कौन से बिंदु से, पी बी बिंदु के 5 बिंदु से, मतलब जो आपके पोल दे रखे हैं ए बी पोल के, यहाँ से इस बिंदु से हम क्या निकाल सकते हैं, क्या देखा जा सकता है साधन 5 मीटर के लिए साधन देखा जा सकता है। ये आपके पहला क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, पोल के चारों और आदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पोल के चारों तरफ का पूछा आपको दूसरे क्वेश्चन में, इसके दूसरा क्वेश्चन है। ये जो पांचवा क्वेश्चन है इसी के क्वेश्चन के अंदर आपको दूसरा पूछा है कि 5 बिंदु से इसके जो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा आपको आदर्शनीय, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना दे रखा है 3.14 इंटू पाई का मान कितना होता है 3.14 ले लो या फिर 22/7 ले लो, तो 3.14 हो गया। अब आर स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ आर क्या लेंगे हम 5 लेंगे, तो आर कितने आ गए 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा 25 चौक 100 की 100 हासिल के 10, 25 से कम 25 और 10 35 का 5 और हासिल के 3, 25 75 और 3 कितने हो गए 78, तो ये आपके आ गया मीटर स्क्वायर, क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया 78.50 मीटर स्क्वायर आपका जो है क्या गया क्षेत्रफल आ गया। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन में आपको इसी क्वेश्चन में तीसरे क्वेश्चन में पूछा है सीसीटीवी का उपयोग बताइए, तो सीसीटीवी जो कैमरा लगाएंगे उसका उपयोग क्या है, उसका उपयोग आपको 2-3 उपयोग बताने हैं कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है सड़क पर वाहन खड़े हो जाते हैं तो जो कानून मतलब जो पुलिस थाना या पुलिस के अंदर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उस दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र को वापस रोड को जो रास्ता अवरुद्ध हो गया उसको हटाया जा सकता है, या जो भी असामाजिक तत्व हैं उनको पकड़ने के लिए कैमरा काम में आता है सीसीटीवी कैमरा, और जितने भी जैसे कोई मतलब नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए काम में आते हैं, और इनका भय जो है वो हमारे सीसीटीवी कैमरा का डर जो है वो हमारे अंदर बना रहता है, जिससे हम वाहन जो है वो तेजी से नहीं चलाते हैं तथा नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं, हमारे चालान कटने के डर जो रहता है। इस हिसाब से आपको जो 3, 1, 2, 3 या फिर 2-3 आपको उपयोग सीसीटीवी कैमरे के बताने हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको एक बार जरूर देखना है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, ए से बी के मध्य की दूरी 150 किलोमीटर तथा इसके मध्य 10 सिग्नल है जिस पर कार को निम्न अनुसार रुकना पड़ता है, प्रथम सिग्नल पर 1 मिनट के लिए, दूसरे सिग्नल पर 2 मिनट के लिए, तीसरे सिग्नल पर 3 मिनट के लिए, चौथे सिग्नल पर 4 मिनट के लिए रुकना पड़ता है, ऐसे इस हिसाब से गाड़ी रुक रही है, कितने सिग्नल पर रुकना है उसको 10 सिग्नल के लिए रुकना है। अब आपको पूछा गया यदि कार की 460 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ए से बी के मध्य कुल समय ज्ञात करो, आपको समय दे रखा है, कोई दूरी दे रखी है आपको कि ए से बी की दूरी, ये कोई बिंदु ए है, ए से बी, ये ए से बी की कुल दूरी दे रखी है आपको 150 किलोमीटर, कितनी देर की है दोस्तों 150 किलोमीटर आपको क्या देर की ए से बी की दूरी देर की है, और चाल क्या देर की है, चाल देर की आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल क्या देर की आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब अगर आपको ऐसा सीधा पूछते कि ए से बी की दूरी ज्ञात कीजिए, यदि आपको ये सिग्नल वाली शर्त नहीं दे रखी होती तो आपको क्या करना था, सीधा यहाँ से समय निकालना था, सीधा निकाल लेते हम, लेकिन आपको क्या दिया हुआ है कि गाड़ी को बीच में जैसे भीड़ है या ट्रैफिक है या सिग्नल आ गए तो सिग्नलों पर रुकना पड़ता है, तो पहले मिनट के लिए पहला सिग्नल पर 1 मिनट के लिए रुकती है गाड़ी, फिर दूसरे सिग्नल पर 2 मिनट के लिए रुकती है, फिर तीसरे सिग्नल के लिए 3 मिनट के लिए रुकती है, तो आपको ऐसे प्रश्नों में इस प्रश्न में यहाँ एक श्रेणी बन रही है, क्या बन रही है दोस्तों श्रेणी बन रही है, तो इसकी आप श्रेणी बना लो, क्या बना लो श्रेणी बना लो, श्रेणी क्या बन रही है आपके पास, एक पहले सिग्नल पर 1 मिनट के लिए रुक रही है, फिर 2 मिनट के लिए, फिर 3 मिनट के लिए, फिर 4 मिनट के लिए, इस हिसाब से आपकी ये क्या हो रही है निरंतर एक श्रेणी बन रही है, इस श्रेणी में आपकी ये गाड़ी रुक रही है। तो अब आपको ज्ञात क्या करना है, ये आपके आ गया, अब आपको ये रुक रही है जो गाड़ी इस सिग्नलों पर रुक रही है, रुकने की जो आपके समय है, पहले हम रुकने का समय निकाल लेंगे कि जो सिग्नलों पर जो गाड़ी रुक रही है उसमें इनको कितना समय लग रहा है, तो पहले हम जो रुकने का समय ये निकाल लेंगे, ये निकालने के लिए वही श्रेणी बन रही है, तो श्रेणी से हम क्या मान निकालेंगे, एक का मान क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपको, एक आ गया प्रथम पद, डी सार्व अंतर निकालेंगे तो डी का मान कितना है आपके पास, डी जो है सार्व अंतर जो डी आएगा क्या आएगा, 2 में से
ए टू माइनस सेवन होता है डी का मान, तो दो में से एक चला गया एक आ गया। और क्या निकालेंगे, एन का मान क्या दे रखा है, एन का मान दस दे रखा है आपको, एन ले लो या फिर टी ले लो, समय दे रखा है तो टी भी ले सकते हैं आपको। अब आपको ये दे रखा है, अब सीधा सा हम फॉर्मूला निकालेंगे, हम क्या एक्सप्रेशन का एस एन बराबर एन बाई टू कोष्टक टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में सीधा सा मान रख देंगे हम, मान क्या है हमारे पास, एन का मान क्या दे रखा है दोस्तों, एन का मान दस दे रखा है, तो दस बट्टा दो कोष्टक बंद टू इंटू ए, ए का मान क्या दिया हुआ है, ए का मान एक दिया हुआ है, प्लस एन का मान कितना है दस माइनस एक इंटू डी का मान एक दे रखा है। इसको सरल करेंगे तो ये आ गया पाँच इंटू दो इंटू एक दो हो गया, प्लस दस में से एक चला गया नौ, नौ को एक से गुणा किया क्या आया नौ, नौ इंटू नौ प्लस दो कितना हो गया ग्यारह, ग्यारह इंटू पाँच कितना गया पचपन मिनट आ गया दोस्तों। तो ये पचपन मिनट जो समय आया है ये तो सिर्फ सिग्नलों पर रुकने का समय आया है, लेकिन आपसे एक आपको क्या पूछा है ए से बी की जो दूरी है वो तय करने में कुल कितना समय लगेगा। आपको पता यदि ये सिग्नल नहीं होते, ये सिग्नल नहीं होते तो कुल कितना समय लगता, तो यहाँ से समय निकाल लेंगे। आपके जो बुक में क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको समय दिया हुआ है दो घंटे और तीस मिनट, लेकिन याद रहे कि आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपको समय दिया हुआ नहीं रहेगा, उसमें आपको समय निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से समय निकालेंगे कि ए से बी में दूरी जो तय करने में समय है वो कितना लगेगा, यहाँ से समय निकालेंगे तो समय का कितना फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी बटा चाल से क्या निकाल लेंगे हम, समय निकाल लेंगे यहाँ से। तो दूरी कितनी देर की है 150 किलोमीटर, चाल कितनी देर की है 60 किलोमीटर। यहाँ से सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके, ये 15 और 5 बटा 2 यानी आएगा 2 घंटा और 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट आ जाएगा दोस्तों। 2.5 आता है, 2.5 का मतलब 2 घंटा और 30 मिनट का समय लगता है। अगर ए से बी की दूरी तय करते हैं कोई वाहन तो उसको 2 घंटा और 30 मिनट का समय लगेगा, लेकिन सिग्नल दे रखे हैं इसमें आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि वह गाड़ी एक सिग्नल जो है पहले सिग्नल पर एक मिनट के लिए रुकती है, दूसरे सिग्नल पर दो मिनट के लिए रुकती है, तो रुकने में जो कुल समय था वो कितना लगा था, 55 मिनट लगा था। इसको किसमें जोड़ देंगे, 2 घंटे और 30 मिनट में जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे 55 मिनट को जोड़ देंगे, तो 55 मिनट को 2 घंटे और 30 मिनट में ऐड कर दो, तो यहाँ ऐड कर देंगे 2 घंटे और 30 मिनट प्लस 55 मिनट, तो कुल जो समय लगेगा कितना लगेगा 3 घंटे और 25 मिनट का समय लगेगा। अतः ए से बी तक की दूरी याद करने में हमें जो कुल समय है वो कितना लगेगा, 3 घंटे और 25 मिनट का समय लगेगा। ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आपको 3 नंबर दिलाएंगे ये दोनों क्वेश्चन, पांचवा और छठा क्वेश्चन जो है 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको आसानी से समझना है इस क्वेश्चन को। पांचवा और छठा क्वेश्चन जो है दोनों इंपॉर्टेंट है, और ये एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों आपका एग्जाम डेट आ चुकी है, प्रवेश पत्र भी अपलोड कर दिए गए हैं, आपको वापस प्रवेश पत्र नए मिलेंगे, और जो हमारे यूट्यूब चैनल कन्या एजुकेशन में जितने भी वीडियो डाले गए हैं, आगे डाले गए हैं आपके 10th और 12th के, लगभग 80-85 वीडियो अपलोडेड किए हुए हैं, तो उनमें से आप वापस जो 10th-12th की प्लेलिस्ट में जाकर 10th के और 12th के वीडियो को वापस रिविजन करें, और आज आपको जो जल्द ही आपको 12th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम, 12th क्लास का प्री बोर्ड एग्जाम जो है आपको एक मॉडल पेपर जो है प्री बोर्ड के टाइप का, प्री बोर्ड का जो मॉडल पेपर है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, भोपाल सर आपकी आज क्लास लेंगे। थैंक यू दोस्तों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।